subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सुशांत सिंह के केस में अंकिता लोखंडे खुलकर आई है सामने और खुलकर परिवार वालों का सपोर्ट कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह के परिवार के दुख को समझने के बाद ही इस तरह का कदम उठा रही है, जहां एक के बाद एक उन्होंने इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में कई खुलासे किए, जहां डिप्रेशन को लेकर बात रखी तो वहीं रिया के 8 साल बोलने पर सवाल उठाया। जी हां, रिया ने बताया था कि वो सुशांत सिंह को 8 सालों से जानती है, पर अंकिता लोखंडे ने कहा कि मैं तो 4 सालों से सुशांत से नहीं मिली, पर 4 सालों से तो थी, लेकिन सुशांत ने कभी रिया का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी रिया के बारे में बोला। तो ऐसे में रिया खुद ही अपने जाल में फंस रही है और अब रिया चक्रवर्ती ईडी के ऑफिस पहुंची है अपना बयान दर्ज करवाने के लिए, जिसको लेकर सुशांत सिंह की बहन श्वेता कीर्ति ने पोस्ट किया है और उसी पोस्ट पर कमेंट करते हुए अंकिता लोखंडे ने अपनी राय भी रखी है। जी आपको बता दें, अंकिता लोखंडे ने प्रेयर्स कहा है, यहाँ पर सभी की दुआओं का असर है, तभी तो सुशांत सिंह के केस में सीबीआई की इंक्वायरी चालू हो गई है और रिया चक्रवर्ती जो गायब थी वो आ गई है ईडी ऑफिस अपना बयान दर्ज कराने के लिए। फिलहाल तो इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.